हाय, आप सभी का स्वागत है प्रियंका की हिंदी रेसिपीज में। आज की वीडियो में हम देखेंगे दो बहुत ही आसान वाटरमेलन यानी तरबूज के शरबत बनाने के तरीके। ये शरबत बहुत ही रिफ्रेशिंग यानी ताजगी से भरे हैं, बनाने में भी आसान और एकदम रिफ्रेशिंग। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहला है वाटरमेलन रूअफजा। बनाना आसान है, कॉम्बिनेशन भी सुनकर आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत टेस्टी और एकदम ताजगी से भरा लगता है। एक बर्तन में डालें 1 लीटर पानी और थोड़े से बर्फ के टुकड़े। पानी भी आप ठंडा ही यूज करें। फिर डालें आधा नींबू। नींबू की आप स्लाइसेस कट कर सकते हैं या फिर पीसेस कट कर सकते हैं। उसके बाद डालें रूअफजा। रूअफजा आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, तो 1 लीटर पानी के लिए 6 से 7 टेबलस्पून। रूअफजा डालने की वजह से अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं है। इन सबको अच्छे से मिला लें। मैंने पहले थोड़ा रूअफजा डाला, उसके बाद टेस्ट किया और मुझे लग रहा है कि मिठास कम है, इसलिए मैं और रूअफजा डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद शरबत को टेस्ट कर लें। दिखने में ही ये इतना सुंदर लग रहा है ना, लेकिन एक स्टेप बचा हुआ है। नेक्स्ट हम डालेंगे वाटरमेलन यानी तरबूज। तरबूज भी अगर आप फ्रिज में रखेंगे और फिर यूज करेंगे तो और मजा आ जाएगा। बारीक टुकड़ों में कट कर लें और इसे शरबत में डाल लें। एक बहुत जरूरी टिप, जितना आप शरबत सर्व करने वाले हैं, जितना पीने वाले हैं, उतने शरबत में ही आप वाटरमेलन डालें। आप चाहें तो ग्लासेस में डालने के बाद वाटरमेलन डालें अगर आपको अंदाजा नहीं है कि कितना शरबत खत्म होगा। अगर आप वाटरमेलन को रहने देंगे शरबत में तो बाद में स्वाद बदल सकता है। एकदम ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा शरबत आप सर्व करें, बहुत ही रिफ्रेशिंग और मज़ेदार लगता है। पीने के साथ साथ जो तरबूज की बाइट्स आती है मुंह में, वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। साथ ही में इतनी गर्मी में ठंडक भी महसूस होती है। नेक्स्ट है बहुत ही आसान वाटरमेलन जूस। 2 कप वाटरमेलन यानी तरबूज हमें इसके लिए चाहिए। तरबूज आप एकदम ठंडा यूज करें, यानी फ्रिज में रखें उसके बाद यूज करें। अलग से बर्फ डालने से बेटर है कि आप तरबूज ही ठंडा यूज करें। 7 से 8 मिनट यानी पुदीने के पत्ते और 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक मोटी छलनी से आप इस जूस को छान लें। छानने के बाद आपको जूस ज्यादा टेस्टी लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। जूसेस जो भी होते हैं, फ्रेश जूसेस, इन्हें बनाकर रखने से अच्छा हमेशा ये होता है कि इन्हें तुरंत बनाकर पिया जाए। जूस को परोसने के टाइम पे, ग्लास में भरने के टाइम पे आप बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं। इससे ये और रिफ्रेशिंग लगेगा और साथ ही में एकदम पतला भी नहीं होगा। धीरे धीरे बर्फ मेल्ट होगी और आपको मजा भी आएगा। आखिर में आप भिगोया हुआ सब्जा डाल सकते हैं, 1 से 2 टीस्पून। सब्जा जो है ये बॉडी को यानी शरीर को ठंडक देता है और गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और थोड़ा सा डेकोरेशन आप पुदीने के पत्ते से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान 2 तरीके के जूस हमने देखे। बनाना तो आसान है, टेस्टी और रिफ्रेशिंग भी है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।